नीली गुड़िया। उस नीले कपड़ों वाली गुड़िया की नीली आंखें और काले काले घुंघराले बाल जो ऊन के बने थे, उसे आज भी नहीं भूलते। उस गुड़िया ने उसके संवेदन तंत्र को बहुत भीतर से छुआ था। उसे आज भी याद है कि जब वो अपनी हौदी में खुले नल के नीचे नहाता तो अपनी गुड़िया को साथ रखता। गुड़िया कपड़े की थी, उसे चिंता रहती कि वो उसे भीगने नहीं देगा। माँ भी इस बात का ध्यान रखती कि उसकी गुड़िया पर पानी नहीं डालना है, बस पानी की छपाकी ही गुड़िया तक जाते। 5 साल की उम्र तक वो उसकी इतनी बड़ी हमजोली हो गई थी कि जैसे उसकी जुड़वा हो या फिर उससे भी कहीं ज्यादा। ये गुड़िया उसका एक अनमोल तोहफा थी। उसके बाद न जाने कितने तोहफे मिले, पर उसकी जगह एक भी नहीं ले पाया। गुड़िया रात दिन उसके साथ रहती। उसकी पैदाइश से भी पहले वो गुड़िया उसकी माँ ने बनाई थी और इस तरह से वो उसकी नाल से जुड़ गई थी। उसकी नीली फ्रॉक, जादुई आँखें, घुंघराले बाल न जाने कैसे बनाए गए थे। उसके गुलाबी मोजे जो गर्मियों में सूती कपड़े के हो जाते और सर्दियों में ऊन के, उसे बड़ा असमंजस लगता। उसके बढ़ने के साथ गुड़िया से उसकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। एक दिन खुले नल के नीचे अपनी हौदी में गुड़िया को अपनी कांख में दबाए बचाए वो नहा रहा था कि साथ वाली छत से आवाज आई, लड़का होकर भी गुड़ियों से खेलता है। उसने उस आवाज और उसके पीछे आने वाली हंसी को नजरअंदाज कर दिया और खूब कसकर अपनी गुड़िया को बगल में दबा लिया। उसे नहीं पता कि क्यों, पर अगले दिन भी नहाते हुए उसे वही आवाज और वही हंसी सुनाई दी। उसने अपने कानों को कसकर बंद कर लिया। उसे याद है कि उसके मन ने उससे सवाल किया था कि ये लड़का लड़की क्या होता है। उस रात वो अपनी गुड़िया को कसकर दबोच कर सोया था। तीसरे दिन फिर वो आवाज आई। इस बार वो आवाज उसकी बर्दाश्त के बाहर थी। लड़का होकर भी गुड़ियों से खेलता है। आवाज उसके कानों में बेलगाम गूंज रही थी। देखते ही देखते उसने अपनी गुड़िया के चिथड़े चिथड़े कर पोली की खिड़की से नीचे फेंक दिए। उसे नहीं पता कि इतनी ताकत उसमें कहां से आ गई थी। माँ रसोई से ये सब देख रही थी। वो अपना आंचल संभालती बाहर आई तो लड़का बिफर बिफर कर रोने लगा। माँ सीढ़ियों की तरफ दौड़ नीचे वहां पहुंची जहां से खिड़की से गिरा सामान बीन सकती थी, पर नीचे पहुंचकर उसने देखा कि गली का जमादार गुड़िया के चिथड़े पहले ही उठा चुका था। लड़का अपनी पोली की खिड़की से खड़ा ये सब देख रहा था। माँ धीरे धीरे खाली हाथ ऊपर लौट आई।